वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जहाँ से दोस्तों हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लिया है, वहाँ पे आपको बताएंगे किस तरह से बेचा जाता है, किस तरह से आपके साथ बिहेवियर किया जाता है, मतलब किस तरह से आपको बताया जाता है प्राइस, और किस हिसाब से दोस्तों आपको खरीदने को मिलता है, और आपको कितने रुपये का क्या मिलता है। मेन चीज़ें आपको हर वीडियो, मतलब हर प्रोडक्ट का प्राइस मैंसन किया जाएगा यहाँ पे। जितने भी कंपोनेंट रखे हैं हर वीडियो को, हर प्राइस का जितना भी जो भी कंपोनेंट है पूरा आपको इस वीडियो में ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं आपको वन बाय वन कंपोनेंट की, वन बाय वन जो भी सिस्टम रखा हुआ, सामान रखा हुआ, सबका प्राइस बताने के लिए। आप ये है 2 RC लीड, सबसे ज्यादा जो यूज होती है हमारे होम थिएटर में यूज होती है। इस तरह के जो होम थिएटर आते हैं इसमें क्या करता है, एक तरफ से मोबाइल में लगाते हैं और एक तरफ से 2 लीड रहती है। 2 लीड मोबाइल की जगह छोड़ के आप जो दोस्तों होम थिएटर में या आप किसी भी डीवीडी प्लेयर में लगा सकते हैं। और ये जो एक तरफ से मोबाइल की लीड की तरह आती है लग जाते हैं मोबाइल में। अच्छा, ऑक्स लीड ये दोस्तों कम से कम आपको 25 पीस का पैकेट मिलता है, इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा किसी भी मार्केट में। 25 पीस कम से कम। अच्छा, 25 पीस का आता है पूरा। 25 पीस का पैकेट लेना पड़ेगा। अप्रोक्स 1 लीड का प्राइस मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 14 से 18 रुपए के प्राइस में बीच में मिलेगा। वो डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है। तो इस तरह की लीड आपको 14 से 18 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो वैसे काफी अच्छी लीड है, वैसे भी कॉपर में है। चलिए आगे चलते हैं। 3 RC आप इसमें दोस्तों जिस हिसाब से लोगे उस हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा। 3 RC में लोगे तो वहां पे दोस्तों आपको दोस्तों 20, 22 से लेके 26, 27 रुपए तक मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो हमारे पास ये है 547 और 548, मतलब 558 भी होता है, 547 भी। प्राइस सेम सेम सा रहने वाला है। ये आपको पूरा पैकेट 600 से 700 रुपए का आसानी से मिल जाएगा। 1000 पीस होते हैं इसके अंदर, यानी कि आपको 60 पैसे 70 पैसे का आराम से एक पीस पड़ जाएगा, जो कि मार्केट में आसानी से 2-3 रुपए का बेचा जा सकता है। यानी कि एक ही पैकेट को 6 से 7 हजार रुपए में निकाला जा सकता है, 600 से 700 रुपए का आप खरीद करके। ठीक है, इस मतलब पूरा पूरा 1000 का पाउच, 1000 से कम आपको नहीं मिलेगा। 1000 पीस का पूरा पाउच मिलेगा, इससे कम का आपको नहीं देंगे। वन आपको खड़े भी नहीं होने देंगे, बात नहीं करने देंगे, मार्केट में ऐसा होता है। ठीक है ना, कम से कम 1000 पीस का आपको पैकेट लेना होगा। फिर आ जाती है हमारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम से कम आपको 500 पीस लेनी लेनी होगी, इससे कम आपको पीस में क्या होगा कि इसमें हमारी एक तो ये है गिनी गिनाई मिलेंगी, क्योंकि इतना समय नहीं होता वहां पर कि इन्हें गिने। तो 500 पीस में दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको ये 50 पैसे से 60 पैसे की एक रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देख सकते हो ब्रांडेड है, क्वालिटी है रेजिस्टेंस में, ऐसा नहीं है कि लोकल है। 47 ओम की रेजिस्टेंस है, अच्छी क्वालिटी की है। फिर उसमें आ जाते हैं क्वार्टर वाट। क्वार्टर वाट यानी कि हाफ वाट से छोटी वाट। ये आपको दोस्तों 26 पैसे से यहाँ पे 30 पैसे तक के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस का प्राइस मिल जाएगा। आप क्वांटिटी कम से कम 250 पीस या 1000 पीस लेनी लेनी। फिर आ जाता था FR 207 डायोड, जो सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है सप्लाई में, टीवी में। ये दोस्तों 1.5 से 2 रुपए का एक डायोड आपको पड़ जाएगा, अच्छी क्वालिटी का लोग, 1.5 से 2 रुपए का। ठीक है ना, ये ओरिजिनल डायोड है FR 207 का। ये दोस्तों 1.5 से 2 रुपए का आसानी से आपको मिल जाएगा, कम से कम 200 पीस आपको लेने लेने होंगे। फिर आ जाता है 5408 डायोड, ये भी आपको 1 से 1.5 रुपए का पड़ जाएगा दोस्तों। ये काफी अच्छा डायोड होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर डायोड है 5408। ये डायोड हमें कम से कम क्वांटिटी में 200 पीस या 250 पीस लेने होंगे, इससे कम आपको नहीं दे सकते हम, क्योंकि दोस्तों ये बल्क में लेना बहुत, ये काफी बड़ा साइज भी हो, इससे हाँ। देख सकते हैं ओरिजिनल है, मिक का है, ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है, ओरिजिनल मिलेगा माल जो भी हाँ, आपका। ये देख सकते हो ये है हमारे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे दोस्तों कितनी भी कोई सी वैल्यू की ले लो, मेन चीज डिपेंड करता है फिलिप्स की ले रहे हैं आप या सैमसंग, कोई सी भी कंपनी ले रहे हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज होता है आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हो। तो मैं क्वांटिटी की बात करी जाए तो दोस्तों कम से कम आपको 500 से 1000 पीस लेने होंगे, वरना 5000 पीस का पूरा पैकेट आता है, ये इससे बड़ा पैकेट आता है। ये मैंने 1000 पीस का बना रखा है। ये दोस्तों आपको कम से कम आपको 26 पैसे से 50 पैसे के बीच में पड़ जाएगी। वो डिपेंड करता है आप क्वालिटी कैसी लेना चाह रहे हैं, मतलब एक मीडियम होती है, एक हाई होती है, एक स्लो होती है, मतलब इस हिसाब से मिलती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ये देखिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस 220 ओम की, ये दोस्तों आपको 40 पैसे की रेजिस्टेंस है, और यही यहाँ पे ये 13 पैसे की रेजिस्टेंस है। डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से मिलता है यहाँ पर सारा सामान। जैसे आप क्वालिटी लोगे ऐसे आपको पैसे मिलेंगे, सभी हिसाब से अलग अलग। ये होता है हमारा फ्यूज। फ्यूज सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रक में, बाईसाइकिल में, ऑटो में। और दोस्तों ये आपके जितने तरह माइक्रोटेक लुमिनस इन्वर्टर होते हैं, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर अपने हिसाब से ले सकते हैं। कम से कम आपको 100-100 पीस की इस तरह की थैली मिलेगी, इससे कम आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जो देख रहे हैं आप 1941, 1951, 1998, ये दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर है। इसकी आपको इस तरह की ट्रे मिलेगी, हमने एक सैंपल के रखा इस तरह की ट्रे। ये आपको 50 पीस इधर 50 पीस इधर, मतलब दो पेयर मिलेंगे 25 पीस के, 25 25 इधर 50 पीस मिलेंगे। कम से कम 50 पीस आपको लेने होंगे, इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे हम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे तो सेल,
ये ट्रिपल ए की सेल होती है 1.5 वोल्ट की, जो कि छोटी सेल पेंसिल सेल बोलते हैं। ये मिल जाएगी आपको, पूरा पैकेट आपको जाएगा ये 100 रुपए में, 100 से 120 या 110 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। और ये मैंने ट्रांजिस्टर का आपको पैसा प्राइस नहीं बताया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 65 रुपए से लेकर के आपको दोस्तों 110 या 120 रुपए का पेयर मिल जाए। पेयर का मतलब होता है एक एनपीएन और एक पीएनपी, यानी कि दो ट्रांजिस्टर का प्राइस 65 रुपए से 110 रुपए के बीच में हो सकता है। मेन चीज का डिपेंड करता है आप क्वालिटी कैसी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप उन्हें ले सकते हैं। उस हिसाब से ये देखिए फ्यूज का पैकेट, ये हो जाता है फ्यूज का पैकेट। ये फ्यूज आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये आपको पूरा इस तरह का पैकेट मिलेगा, और एक डब्बी के अंदर 20 पीस मिलेंगे, यानी कि इसमें 20 के अंदर 5 है, यानी कि आपको 100 पीस की डब्बी मिलेगी 90 पैसे से लेके 1 रुपए तक का। आपको ये एक इसके अंदर जो फ्यूज है वो पड़ जाएगा, अगर आपके 1000 पीस है तो कम से कम ये दोस्तों 900 रुपए का इसे लेगा, 1000 रुपए के आसपास ये पूरी डब्बी पड़ जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों ये प्राइस होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, ये मैं आता हूँ इनके आपके, ये फ्यूज होते हैं हमारे इस तरह के टूल है के, डीसी फ्यूज बोलते हैं इनको सबसे ज्यादा, डीसी फ्यूज हमारे बेस बूस्टर में भी लगते हैं, काफी जगह लगते हैं ये। तो ये जो आपका फ्यूज होते हैं ये आपको लेके 2 रुपए से आपको 4 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा, एम्पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ प्राइस का डिफरेंस पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो ये देख सकते हैं, ये है मॉड्यूल, ये देख सकते हैं, तो सर आप देख सकते हैं ये है हमारा मॉड्यूल, ये सबसे ज्यादा यूज होता है सप्लाई में। ये आपको 50 रुपए से 70 रुपए के बीच में मिल जाएगा, डिपेंड करता है क्वालिटी कैसा लेना चाहते हो। ग्रीन वायर में आता है सस्ता आता है, नीले वायर में आता है ये सबसे महंगा, अच्छी क्वालिटी है, यहाँ से कनेक्टर निकलता है, ये काफी महंगा होता है आइटम। तो ये 55 से 60 रुपए का आराम से आपको अराउंड में मिल जाएगा, ये कम से कम आपको दोस्तों 50 पीस लेने होंगे, इससे कम आपको नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। होम थिएटर हुआ, एलईडी टीवी हुआ, आपके छोटे एसएमपीएस हुआ, उनमें सब में सभी में लगता है। हाँ जी, आप किसी भी सिस्टम में ब्लूटूथ ज्वाइंट करना चाहते हो तो ये होती है हमारी ब्लूटूथ चिप, ये कम से कम आपको 50 पीस लेनी लेनी होंगी, ये आपको हम लगा देंगे दोस्तों 38 रुपए से 40 रुपए के बीच में आराम से लगा देंगे, जो कि आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। वरना अगर आप इसे ऑनलाइन प्राइस में खरीदोगे यही आपको 99 100 रुपए की मिलेगी, हमें ये मिल जाएगी आराम से दोस्तों 38 से 40 रुपए के बीच में आपको ये मिल जाएगी, पूरे मतलब इसके अंदर एक पीस दे ये एक पीस है यहाँ पे, ये एक आईसी देख रहे हैं, एक पीस है, 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 पीस, यानी कि 90 रुपए की पड़ेगी। हाँ, ऑनलाइन में अगर लोगे तो, वैसे तो दोस्तों हम अगर आप जो हम मार्केट का आपको पता बताएंगे वहां से लोगे तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है, 38 से 40 रुपए के बीच में पड़ जाएगा, 40 से 42, इससे ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद पैम 84 03, ये सबसे ज्यादा 3+3 वाट में होती है, ये भी आपको कम से कम 50 पीस लेने होंगे, ये आपको दोस्तों 25 रुपए से 30 रुपए के बीच में पड़ जाएगी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है दोस्तों। एलईडी बोर्ड बोर्ड में हमारी दिक्कत आ जाती है या खराब हो जाते हैं, उसके आईसी जो खराब हो जाते हैं उसमें यूज आती है ऑडियो के लिए। अब देखिए आ जाता है हमारे ये प्रीसेट्स, प्रीसेट की आपको 100 100 पीस की यहाँ पे थैली लेनी होगी, 100 100 पीस की, अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, जैसे कि आपको देखिए इतनी सारी क्वांटिटी में हमारे पास अलग अलग नंबर के हैं, 100 100 पीस में कम से कम आपको ये लेने होंगे। और एक यहाँ पे प्रीसेट का प्राइस बता देना चाहता हूँ, 2.5 रुपए से दोस्तों 3 रुपए का प्राइस या 3.5 रुपए का प्राइस आपको मिल जाए, फ्लिप्स का ओरिजिनल देख सकते हैं, ये देखिए प्योर ओरिजिनल है ये एकदम, कोई एक भी पिन पे आपको दोस्तों कार्बन वगैरह नहीं लगा मिल सकता, प्योर ओरिजिनल है, ठीक है। 103 नंबर आपको, हाँ ये आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है हमारी इस तरह की ये बैटरी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली बैटरी है, जो कि दोस्तों हमारी मीटर में, डिजिटल मीटर में, कार्टों में, बहुत मतलब हर जगह बहुत ज्यादा जगह लगाई जाती हैं। तो ये बैटरी आपको दोस्तों 12 रुपए से 15 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाएगी, अब पूरा पूरा यहाँ पे 10 10 पीस की आप इस तरह के पैकेट ले सकते हैं, देखिए इस तरह का होता है, इस तरह की डब्बी होती है, आप 10 10 पीस के यहाँ पे ले सकते हैं, आप इसमें 10 पीस का एक भी डब्बी ले सकते हैं, यहाँ पे 10 20 पीस जितनी आपको चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 पैकेट मंगा रखे हैं, आप कितने हिसाब से ले रखते हैं। ये दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर 2N3055 ट्रांजिस्टर, मेटल ट्रांजिस्टर बोलते हैं ये ट्रांजिस्टर, दोस्तों आपको 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है क्वांटिटी आप कितनी लेना चाह रहे हैं, ये तो एम्पलीफायर वगैरह के पीछे लगते हो, एम्पलीफायर में 50 पीस 100 पीस 150 200 जिस हिसाब से जितना लोगे आपको उतने सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद ये यूएसबी पोर्ट देख सकते हो, इसकी कम से कम 1000 रुपए की थैली मिलती है, 1000 रुपए नहीं मतलब 1000 पीस की थैली मिलती है, और वो आपको 2 से लेकर 5 रुपए के बीच में आपको क्वांटिटी मिल जाएगा, मतलब जितना आप ये लगे कि भाई हमें ये चाहिए 1000 पीस चाहिए 2000 चाहिए, उस हिसाब से प्राइस अप डाउन होता रहेगा, लेकिन मैं प्राइस आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बताना चाहता हूँ, 2 रुपए से 5 रुपए के बीच में मिल जाएगा जिस हिसाब से आप खरीदना चाहोगे, ठीक है ना।
मिनिमम लोगे तो दोस्तों महंगा यानी मिलेगा। काफी सस्ता, अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से लोगे तो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा यहाँ पर। जी क्वांटिटी के हिसाब से आपको बहुत सस्ता मिलने वाला है ये। अब ये देख सकते हैं रेगुलेटर, ये है 7812 यानी 78 बार है रेगुलेटर। ये दोस्तों आपको इस तरह की ट्रे मिलती है, ये देख सकते हो, ये भाई देख रहे हैं, ये इस तरह की ट्रे मिलती है सर। प्लास्टिक के अंदर आती है पूरे पैक, बिल्कुल 50 पीस इधर 50 पीस इधर, कम से कम आपको 100 पीस ही लेने होंगे या 50 पीस भी ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं आपको प्राइस बता देना चाहता हूँ, 4.5 रुपये से 7.5 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगा एक पीस, ठीक है जी। 78.05 हुआ, 78.012 हुआ, 78.12 हुआ, ज़्यादातर ही मिल जाएगा, ठीक है। और ये होता है MOV, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये, कम से कम 100 पीस आप ले सकते हैं। MOV वेरिएस्टर बोलते हैं ये दोस्तों, क्या होता है ओवर करंट को प्रोटेक्ट करता है ये दोस्तों। कम से कम आपको 100 पीस 50 पीस लेने होंगे, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 4.5 रुपये से 7.5 रुपये के बीच में इसका भी सेम इसी प्राइस में मिल जाएगा आपको। ये होती है 4558 IC दोस्तों, ये 8 रुपये से 13 रुपये के बीच में मिल जाएगी। आप 50 पीस 100 पीस आराम से मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी 2030 IC जो कि ऑडियो में यूज होती है, ये 20 पीस 50 पीस आराम से ले सकते हो। ये दोस्तों 13 रुपये से 20 रुपये के बीच में मिल जाएगी, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है प्राइस आप लेना कितना चाहते हैं। ये दोस्तों 4558, मतलब सब तरह की आईसी है यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा ये वाला कनेक्टर का, ये आरजे केबल का है, RJ6 वाले होते हैं जो आपके दोस्तों केबल कनेक्शन होते हैं उनमें दोस्तों बारीक मोटे हिसाब से होते हैं। RJ6 RJ4 RJ8 के हिसाब से आते हैं, मतलब केबल की मोटाई क्या है। तो 2.80 रुपये से लेकर 3.90 रुपये तक आपको ये एक कनेक्टर का प्राइस पड़ जाता है। 100 पीस की आपको इस तरह की थैली मिलती है, पूरी थैली आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आते हैं हमारे माइक्रो स्विच, ये देख सकते हैं माइक्रो स्विच का जी, वो है छोटे वाले बटन जो होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहे जो LED में LED TV होते हैं इनमें लगते हैं, अभी होम थिएटर में लगते हैं। ये आपको 40 पैसे से 60 पैसे का आपको आसानी से पड़ जाएगा, 1000 पीस की थैली होती है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना भी आपको लेना है। इस तरह का होता है ये, देख सकते हैं इस तरह का होता है ये, इस तरह का देख सकते हो, इस तरह का छोटा सा बटन होता है, 4 लैग होते हैं, 2 लैग का थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो ये देख लिया आपने, उसके बाद ये आता है हमारे टोन वॉल्यूम। ये आपको दोस्तों ये 4 रुपये से लेके 6 रुपये के बीच में आपको टोन पड़ जाएगा। ये DVD वॉल्यूम बोलते हैं, होम थिएटर का वॉल्यूम, 3 पिन 6 पिन देख सकते हैं, 6 पिन का ये है और 3 पिन हमारा ये वाला है, ठीक है। तो ये आपको सेम प्राइस में पड़ जाना है, 4.5 रुपये या 4 रुपये से, और आपको दोस्तों ये मिल जाएगा आपको 6 रुपये तक, अपने क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा 4060 डायोड, 4060 डायोड आपको दोस्तों ये आपको 50 पैसे से लेके 1 रुपये तक का मिल जाएगा, डिपेंड करता है क्वालिटी आप कैसा लेना चाह रहे हो। 1 रुपये से 50 रुपये से अपने हिसाब से पड़ जाए, 60 पैसे 70 पैसे जितनी आप क्वांटिटी लोगे उस हिसाब से दोस्तों प्राइस सस्ता होता है, ये चीज़ याद रखना। आप जिस मार्केट में मैं पता बताऊँगा वहाँ पर जितना आप ज़्यादा क्वान्टिटी में माल लोगे उतनी आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर, ये होता है कैपेसिटर जो तो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे सर्किटों में। इस कैपेसिटर की भी आपको 2 रुपये से लेकर 4 रुपये तक के बीच में मिल जाएगा, क्वांटिटी आप जितने लोगे 1000 पीस 100 पीस 50 पीस उस हिसाब से पड़ जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाता है BD-139 BD-140 NPN ट्रांजिस्टर, मोस्ट पॉपुलर ट्रांजिस्टर है। 2 रुपये से 3 रुपये के बीच में आपको ये ट्रांजिस्टर पड़ जाएगा, 100-100 पीस आपको कम से कम यहाँ से लेने होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये है बड़ा टोन, ये डुअल टोन होते हैं, ओरिजिनल टोन है यहाँ पे देख सकते हो। और ये दोस्तों अलार्म के हैं, देख सकते हो अलार्म 100 पीस हैं, ओरिजिनल डेट देख सकते हो 2022 की है मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे ये दोस्तों आपको 850 से 900 या 1000 रुपये के बीच में आपको पूरा पैकेट मिल जाने वाला है, और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है पैसे कम ज़्यादा होना, यानी कि 8.5 रुपये से लेकर 9.5-10 रुपये तक का आपको ये एक वॉल्यूम पड़ जाने वाला है, जो कि दोस्तों काफ़ी महंगा मिलता है। ये आ जाते हैं फिर दोस्तों SMD IC है, 4558 SMD IC देख सकते हो, इसके अंदर SMD IC लगी हुई है, ये इन ट्रे के अंदर रखी है। ये आपको दोस्तों 3.5 रुपये से लेकर 6.5 रुपये के बीच में आसानी से ये IC मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी की लेना चाहोगे दोस्तों गड़े हुए की, मतलब एकदम ओरिजिनल, तो आपको 13-14 रुपये की मिलेगी कम से कम, ये आपको 50 पीस लेने ही लेने होंगे। फिर आ जाते हैं MCPCB पे, ये जो MCPCB होती है 9 वाट 12 वाट जितने प्राइस के होती हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम से कम आपको ये 200-200 पीस लेने होंगे, जब आपको दोस्तों ये 4 रुपये से 5 रुपये की पड़ेगी। अभी ये है ओरिजिनल, ओरिजिनल लोकल की मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल रेड को छोड़कर बिल्कुल रेड भी होते हैं, ग्रीन भी आते हैं, सब तरह कलर आते हैं। ये जब तक बिल्कुल डार्क येलो नहीं होंगे, जब तक ये ओरिजिनल नहीं होंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल डार्क येलो हैं तो ये बिल्कुल ओरिजिनल दे सकते हैं, बहुत से नीले नीले से दिखते हैं वो दोस्तों लोकल होते हैं, याद रखना लोकल होते हैं, जिनके अंदर फिलामेंट सा दिख रहता है, ये बिल्कुल येलो है, बिल्कुल डार्क येलो, तो ये ओरिजिनल है, ये 4.5 रुपये से 5 रुपये की आसानी से मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद में इसका ड्राइवर, दोस्तों ड्राइवर आपको मैं बता देना चाहता हूँ 8 रुपये से लेकर, ये वाला ड्राइवर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, किसी भी में लगा दो, किसी भी सर्किट में लगा दो चलेगा चलेगा।
ये 8 रुपए से लेकर दोस्तों 13 रुपए के बीच में आपको आसानी से मिल जाने वाला है, जो कि मोस्ट पॉपुलर ड्राइवर है। ठीक है सर, आपने देख लिया ये इस तरह, कम से कम आपको इसकी क्वांटिटी में बता देना चाहता हूँ, 200-300 पीस आपको लेने ही लेने होंगे, इससे कम लोगे तो नुकसान होगा। इसमें भी काफी पीस है गाइस, आप दे सकते हैं कितने सारे हैं, इसमें भी काफी पीस दे रहे हैं, 5 पीस इसमें और काफी सारी लाइन दी गई है, कम से कम ये भी 60-70 पीस है, वो ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। और इधर की साइड भी आप दे सकते हैं, काफी सारे इधर रखी हुई आईसी वगैरह यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल प्योर कॉपर में आती है ये। आप इसको देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल डैन का रिमोट है, ये बिल्कुल ओरिजिनल डैन का रिमोट आप 100 से 150 रुपए का देखते होंगे मार्केट में, आसानी से मिलता है, खुल के बेचा जाता है, ये 33 रुपए का मिल जाएगा, 33 रुपए में आपको, बहुत ही सस्ता आपको 33 रुपए से 35 रुपए 36 रुपए मिल जाएगा, डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है ना, अगर क्वांटिटी अच्छी ले तो 33 रुपए आपको पड़ जाएगा, ये रिमोट देख सकते हैं। काफी सारे यहाँ पर सामान है, देख ये देखिए स्विच, ये छोटे वाले स्विच होते हैं, ये 1000 पीस का पैकेट आता है, ये 1.5 रुपए से 2 रुपए का आसानी से पड़ जाएगा, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्विच हुआ गाइस जो मतलब कि आप देखते हो होम थिएटर वगैरह में और छोटी छोटी जो और होते हैं, ये उनके अंदर लग जाते हैं, डबल वाली, ये बड़े वाले साइज है, हाँ ये देख सकते हैं। ये आपको दोस्तों कम से कम मैं आपको प्राइस मेंशन कर देना चाहता हूँ, ये भी दोस्तों 2.5 रुपए से 3 रुपए के बीच में मिल जाएगा, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है आप लेना कितना चाहते हो। तो गाइस आपको क्वांटिटी का इसमें देखना है, क्वांटिटी अगर आपकी ठीक ठाक है तो आपको बहुत ही सस्ता यहाँ से माल मिलने वाला है, आप हाँ। कितना भी ले सकते हैं। ये देखिए ये है एलईडी टीवी का यूनिवर्सल रिमोट, ये बहुत अच्छा रिमोट है, जो कि सबसे ज्यादा सभी में चलता है, सभी में चलता है करीब करीब, जो आजकल की देसी एलईडी यूनिवर्सल जो बना असेंबल एलईडी होती है, ये आपको दोस्तों 35 रुपए से 40 रुपए का आसानी से मिल जाएगा, और दोस्तों आप 100-125 रुपए का आसानी से देख सकते हो, काफी पॉपुलर रिमोट है ये, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी, 10 पीस कम से कम आपको, जब आप पूरा कार्टून बनवा रहे हैं रिमोट का, ये आपको रिमोट लेने हैं तो पूरा कार्टून में इस तरह की 10-10 पीस की आपको पैकेट मिलेगा, उसमें उसके हिसाब से आपको लेने हैं, ठीक है, किसका है, कम से कम आपको 10 पीस के इस तरह के, कम से कम आपको 250 रिमोट लेने होंगे, तब आपको दोस्तों 10-10 पीस देंगे अलग अलग कंपनी के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा जो यूज होता है डिश टीवी का रिमोट हमारा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे डिश टीवी का ओरिजिनल रिमोट, ये देखिए यहाँ पे टीवी मोड भी है इसके अंदर, और यहाँ पे रिमोट ये देखिए, बटन भी ओरिजिनल इसी तरह से दब रहे हैं जैसे आता है, डिश टीवी का ओरिजिनल रिमोट ये दोस्तों, आसानी से आपको मैं प्राइस बता देना, 40 से 45 रुपए का आसानी से मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 150-200 रुपए का, ये देखिए डिश टीवी का ओरिजिनल लोगो लगा हुआ है, आप 150-200 रुपए का आसानी से बेच सकते हैं, बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाने वाला है, ठीक है। ये भी दोस्तों मैं आपको अभी सभी पूरा एड्रेस दूंगा आपको, बेफिक्र रहिए, आप आसानी से जाकर खरीद सकते हो। अब इसके नीचे आ जाएगी 3RC की लीड, ये 3RC लीड है जो मैंने शुरू में मेंशन की थी, 3RC की लीड आपको दोस्तों लेके 23 रुपए से लेकर दोस्तों 29 रुपए तक के बीच में मिल जाएगी आपको, और दोस्तों कम से कम 25 पीस की ये आपको थैली लेनी होती है, 25 पीस में आएंगे आएंगे, ठीक है, 25 पीस की इस तरह से पूरी से, यानी कि इसमें क्वांटिटी के हिसाब से आपको लेने पड़ते हैं, देख सकते हो ऑल इन वन यहाँ पर रिमोट देखने के लिए गाइस आपको मिल जाएंगे, हर तरह के ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि वहाँ से भाई आपको ये एक मॉडल लिया तो आपको 250 पीस इसी के लेना हो, 10-10 पीस करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और से इसके अंदर एक और है गाइस, एक जो भी सर ने उधर रखे उसके नीचे भी एक रिमोट है, काफी हैवी रिमोट होते हैं, आप इसको कैसे तोड़ सकते, टूटेगा नहीं, रिमोट ये देखिए, ये होता है अनब्रेकेबल रिमोट, इसे कितने फेंक तोड़ लो ये कुछ नहीं होता, टूटता ही नहीं है रिमोट, जो फिर जोड़ लो बॉडी जो होती है, ये दोस्तों आपको 21 रुपए से 23 रुपए के बीच में ये वाला रिमोट मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है, और अच्छा रिमोट होता है, और 50-60 रुपए का आसानी से बेचा जाता है, ठीक है ना। अभी आ जाते हैं हमारी देखिए स्टार रॉक की, स्टार कॉम की ओरिजिनल, स्टार कॉम के देख सकते हो यहाँ पे, शार्प यूनिवर्सल किसी भी कंपनी के ले सकते हो दोस्तों, ये आपको 68 रुपए से 70 रुपए के बीच में या 75 रुपए के बीच में आपको एलएनबी मिल जाने वाली है, एचडी एलएनबी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की एलएनबी है, एक बार में एक अच्छे क्वालिटी के सिग्नल आते हैं, हमने खुद यूज भी किया है, ये देख सकते हो, कम से कम आपको 10 पीस लेने होंगे जब आपको ये इसके साथ मिल जाएंगे कार्टून के साथ, ठीक है। तो ये हमारा वो काफी सारा आइटम हो गया, फिर भी अब ये देख सकते हैं, ये हमारा एमवी कलेक्शन से हमने लिया था बोर्ड, वहाँ पे फैक्ट्री गए थे, वहाँ से काफी सारे बोर्ड लेके आए थे, बोर्ड का प्राइस में मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इसका करेक्ट प्राइस नहीं पता, मैं लिस्ट में देख लूंगा, ये इस तरह के बोर्ड भी आप ले सकते हैं, और काफी हैवी बोर्ड होने वाला है जी, ऑडियो मतलब कि बहुत अच्छी इसमें तो ये जो क्वालिटी 50 मीटर का आपको मिल जाता है रेनबो वायर, वायर की क्वालिटी देखते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का वायर मिल जाएगा, 10 वायर मिलेंगे, मोटी वायर मिलेगा इसके अंदर आपको, और ये दोस्तों आपको पूरा 50 मीटर का वायर मिल जाएगा, बिल्कुल इससे कम आपको नहीं मिलने वाला है, और काफी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर आपको सामान देखने के लिए मिल जाता है, प्राइस आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, लेके आपको 400 रुपए से 450 रुपए का बीच में आसानी से मिल जाएगा, यानी कि 8 रुपए 8.5 रुपए मीटर आपको पड़ जाएगी, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये होती है हमारी शील्ड वायर, ये दोस्तों 120 रुपए से 80 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब काफी सारा आइटम रखा हुआ है, आइटम भोग में कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, और भी सामान रखा हुआ बहुत ज्यादा है, तो अपने अलग अलग प्राइस के मेन से अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो दोस्तों सामान मिलेगा आपको
तो दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे आप लाल किले के पास जाओगे, लाल किले के पास आपको दोस्तों भगवती पैलेस और वहां पे ओल्ड लाजपत राय मार्केट, 400 नंबर से लेके 500 नंबर तक के बीच में जितनी भी दुकान है सबको वहां पे इस ये सामान मिलेगा। 400 नंबर से 500 नंबर याद रखना दोस्तों, 400 नंबर से लेके 475, 439, ये बहुत सारी मोस्ट पॉपुलर दुकान है जहां पे आपको ये सारा सामान मिलेगा, ठीक है ना। लाजपत, ओल्ड लाजपत राय मार्केट, लाल किले के लाल सामने। किले के बिल्कुल लाल किले से उतरते ही जस्ट आप थोड़ी सी दूर चलोगे, ओल्ड लाजपत राय मार्केट किसे भूल लेना, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल आपको ये सब कंपोनेंट ए टू जेड सारा सामान मिल जाएगा, बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। बस आपको क्वांटिटी का याद ध्यान रखना है, जितनी क्वांटिटी आप लोगे वहां पर, और वहां पे एक बंदा कभी ना जाए, ये चीज याद रखना। अकेले को वहां पे लूट लिया जाएगा, कम से कम 2 से 3 बंदे जाएं अच्छे से माल को परख के, चीज को अच्छे से लेके, और वहां से बिना गारंटी की चीज नहीं, याद रहे बिना गारंटी की, गारंटी वाली कोई भी चीज नहीं लेनी है आपको। अब मैं अपना भाई समझ के बता रहा हूँ आपको, गारंटी वाली चीज लोगे तो दोस्तों पछताओगे, नेक्स्ट टाइम आपकी चेंज नहीं होगी, दिक्कत होगी। गारंटी वाला माल कुछ मत लो, बिना गारंटी वाला माल लो और अच्छा माल लो, देख के माल लो, जैसे हमने बताया इस तरह। बंद होने वाली थी और मैंने जो सामान खरीदा है यहाँ देख सकते हो, वही कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, 472 ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, यहाँ पे विक्की नाम से मोबाइल नंबर देख सकते हो, और ये अंकल जी हैं, यहाँ पे सभी हमारा सामान टोटल यहाँ से मिला है जो सामान खरीदा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपने तो दोस्तों देख लिया कहाँ पे सामान मिलता है, सभी प्राइस हमने बता दिया। आप अगर ये सामान खरीदना चाहते हो वहाँ से जाके खरीद सकते हो, आपको ये नहीं कि फिक्स यहाँ से खरीदना है, कहीं से भी खरीद सकते हो, उससे हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको हमने एक अप्रोक्स प्राइस बता दिया, अप्रोक्स आपको क्वांटिटी बता दी। तो वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पर जो नए हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस कर लें। थैंक यू।